इफ दिस इज योर जय श्री राम इफ दिस इज योर भारत माता की जय वी विल नेवर एक्सेप्ट दैट जय श्री राम एन भारत माता तमिल डोंट एक्सेप्ट यू गो एंड टेल वी आर एनिमीज ऑफ राम वन नेशन मीन्स वन लैंग्वेज वन ट्रेडिशन वन कल्चर देन ओनली इज नेशन इंडिया इज नॉट ए नेशन बट ए सब कॉन्टिनेंट्रो आज के लिए प्रेस में आपको इसलिए बुलाने की आवश्यकता हुई कि क्या भारत की आइडेंटिटी को बदनाम करना इंडिया गठबंधन की फितरत बन गया है क्या भारतीय आस्था को अपमानित करना उनका पॉलिटिकल एजेंडा बन गया है क्या भारतीय संस्कृति और संस्कार को पब्लिकली ह्यूमिलिएट करना उनका पॉलिटिकल एजेंडा है यह बात हम बहुत जिम्मेवारी से कहना चाहते हैं इट इज एविडेंट दैट इंसल्टिंग इंडियाज इथॉस पब्लिकली ह्यूमिलिएटिंग हिंदू गॉड्स एंड क्वेश्चनिंग द वेरी आइडिया ऑफ इंडिया हैज बिकम द हॉलमार्क ऑफ द पॉलिटिकल एजेंडा ऑफ द इंडिया गठबंधन और इसका एक कारण क्या है कि जो डीएम के उनके एल आई है उनके एक मंत्री कल गए थे सुप्रीम कोर्ट में रिलीफ के लिए बाकी उनका मैटर सब ज्यूडी से मुझे टिप्पणी नहीं करने कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ी एक बात कही कि यू टेक अंड्यू लिबर्टी विद फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड यू कम टू द सुप्रीम कोर्ट स्टालिन ने क्या क्या बोला था आपको मालूम है उनके दूसरे पार्टी के नेता ए राजा हैं उन्होंने एक भाषण दिया है मोदी जी पर क्या बोला है मैं अलग से आऊंगा लेकिन वो जो बात कहना चाह रहे हैं इंडिया इज नॉट ए नेशन अंडरस्टैंड दिस वेल इंडिया इज नेवर ए नेशन वन नेशन मीन्स वन लैंग्वेज वन ट्रेडिशन वन कल्चर शन इंडिया इज नॉट ए नेशन बट ए सब कॉन्टिनेंट ये माओवादी विचारधारा है आपकी जानकारी के लिए फिर कहते हैं इफ दिस इज योर जय श्री राम इफ दिस भारत माता की जय वी विल नेवर एक्सेप्ट दैट जय श्री राम एन भारत माता तमिल डोन्ट एक्सेप्ट यू गो एंड टेल वी आर एनिमीज ऑफ राम हमने उनके तमिल भाषण का अनुवाद मेरे पास है मैं रिपीट कर रहा हूं इफ दिस इज योर जय श्री राम इफ दिस इज योर भारत माता की जय वी विल राम एंड भारत माता की जय तमिलनाडु वॉन्ट एक्सेप्ट यू गो एंड टेल वी आर एनिमीज ऑफ राम ये महाशय वही है जो टू जी घोटाले में भयंकर आरोपी थे लोअर कोर्ट का एक फैसला आया है स्टूडेंट ऑफ लॉ इज ए सीरियसली क्वेश्चन जजमेंट अपील पेंडिंग है आप जानते हैं उसके खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में और मैं उस महकमे का मंत्री रहा हूं तो ये जो मंत्री थे तो क्या क्या इन्होंने किया काफी जानकारी है लेकिन मेरा सवाल यह है कि यह टिप्पणी उनके एक नेता की है इसके पहले स्टालिन की थी एमपी भी है संविधान की शपथ ली है कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहूंगा राहुल गांधी से सोनिया जी से प्रियंका से खरगे साहब से आप इसको सही मानते हैं क्योंकि तो आपको मोदी जी को हटाना है इसलिए उनको गाली पढ़ते हैं, अलग विषय है लेकिन ये जो शब्द वी आर एनिमीज ऑफ राम क्या इससे आप एग्री करते हैं इफ यू से भारत माता की जय वी विल नेवर एक्सेप्ट कृपया करके हिंदू सेंटिमेंट को इस तरह से अपमानित नहीं करें हिंदू आस्था को इस तरह से लज्जित नहीं करें यह हम कहना चाहेंगे